और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष के इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर जारी बयानबाजी के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मीटिंग होने वाली है। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इंडी गठबंधन पर सीट शेयरिंग पर फिलहाल जो है पेच फंसा हुआ है। कल देखा हमने किस तरीके से सबसे पहली बैठक जो है कांग्रेस ने आरजेडी के साथ की और आज आम आदमी पार्टी से मुलाकात होनी है जिसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी मौजूद रहेंगे। सीट शेयरिंग पर बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो लगातार सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहमति बनाने में जुटी है। आज आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात होनी है। हालांकि कल सबसे पहले कांग्रेस ने आरजेडी को मिलने के लिए बुलाया था और इस बैठक में आरजेडी के नेता मनोज झा ने कांग्रेस के सामने अपनी पार्टी के दावे पेश किए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बैठक में मुकुल वासनिक मौजूद थे, जिसके बाद अब मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे और मनोज झा, लालू यादव और तेजस्वी से बात करेंगे। ठीक इसके बाद फिर से एक बैठक होगी जिसमें सीटों की संख्या और कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा उस पर तस्वीर साफ होगी। बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। हम एक समीक्षा कर रहे हैं कि किस आधार पर सीटों का वितरण होना चाहिए, किस प्रिंसिपल पर, किन उसूलों पर हमें आपस में समझौता करना है, उस पर विस्तार से बात किए। तो सीट शेयरिंग पर कहां कहां पेच फंसा हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का किन दलों के साथ पेच फंसा हुआ है जिसमें वो अपनी नेशनल अलायंस कमेटी में सुलझाने की कोशिश करेंगे। आपको बताते हैं कि आखिर इस वक्त जो है कांग्रेस के सामने कौन कौन से पेच फंसे हुए हैं। देखिए कांग्रेस के सामने इस वक्त जो है चार मजबूत क्षेत्रीय दलों से सीट शेयरिंग का जो है फिलहाल पेच फंसा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की टीएमसी पार्टी की। तो बंगाल में टीएमसी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो है पेच फंसा हुआ है। वहीं बिहार की बात करें तो जेडीयू, जिसके साथ सबसे पहले कल बैठक की गई थी, और साथ ही आम आदमी पार्टी, जहां पर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी। देखिए ये वो चारों दल है जो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिन दलों के जितने सिटिंग एमपी हैं कम से कम उतनी सीटों पर वो दल समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चारों दलों को अपनी शर्तों पर मनाना जो है वो बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच में बात करें तो इंडिया अलायंस में अभी तक सभी दलों को इस बात की उम्मीद है कि कांग्रेस उनकी बात मानेगी। शिवसेना उद्धव ग्रुप के नेता आदित्य ठाकरे का कहना है कि इंडिया अलायंस में सभी विपक्षी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। हालांकि वही लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री जो है यानी कि तेज प्रताप यादव, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बैठकें चल रही है लेकिन पार्टी जो फैसला करेगी उसे सभी को मानना होगा। हम लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए हम लड़ रहे हैं, सब साथ में लड़ रहे हैं और जो खासदार साहब है वो यही है। ये बात है कि हम सारे लोग हम खुद के लिए नहीं लड़ रहे, हम देश के लिए लड़ रहे, देश हित के लिए लड़ रहे हैं ताकि हमारी जो लोकतंत्र है वो बची रहे। पार्टी अभी निर्णय नहीं ली है, पार्टी निर्णय लेगी।